स्कूल की इमारत या हजारों किलोमीटर रोड रही खरबे रुपया खाई तचन जो मुस्तबिल तबाह पा कर पर सिंधी न बुधो सत्तर का वी बल्कि वन टण का वी मोहतरम शेख हयाज मोहतरम इब्राहिम जो मोहतरम कायद रसूल बख्श पलियो साहब तमील अबासी तारिक अशरफ फकीर मोहम्मद लाशारी उस्ताद बुखारी हजारे मानू बुधाइंदा रहा तो सिंधियो मायूस न थी गुजारिशू कंदी रही पर तमाम बार बार उन्हें भलेरन के चूंडींदा रहा हो जेके तवाजे रक्त जो मुस्तकबिल जो सौदो करा रहा पर फकत तवाजे काजन में तोहरन में शादिन के अची लिफाफे में 500 रुपया या 1000 रुपये विझी फातहला हथ खणंदा रहा ऐं तव्हां उन्हनि फातहला खयल हथनि ते पंजनि सालनि में पंहिंजो नसीब लिखी उन्हनि खे ॾींदा रहियो असीं थकासीं कोन असां फैज़ जे लफ़्ज़नि में जब भी अबरू करे गार में इरशाद किया तव्हांजे गुज़ारिशूं कंदा रहियासीं ऐं तव्हां जो जड़ें सदाउनि में कम न हलियो गुज़ारिशुनि में कम न हलियो सिंध सुतल रही सिंध अधूर निंड में रही सिंध जा वॾेरा सिंधी माण्हुनि जे मथनि ते हथ फेराए उन्हनि खे चवंदा रहिया सुता पिया हुजो ऐं तव्हां जा शाह बंदर में माण्हू शहीद थी विया टोड़ी कोटक में शहीद थी विया मलिक
वाले भाइयों, आपने देखा कि 22 मई को हमारी बहनों का खून बहाया गया और 23 मई को जब सारी सिंध में हमने हड़ताल की, किसी एक उर्दू बोलने वाले भाई को खराश तक नहीं आई। ये है सिंधियों की गैरत, ये है सिंधियों का जज्बा। छुपके छुपके घरों की छतों से और खिड़कियों से फायर करने वाले दहशतगर्दों, छुपके मुकाबला करने वाले, छुपके लोगों का निशाना बनाने वालों दहशतगर्दों, 6 करोड़ सिंधियों ने 23 मई को अपने किसी एक भाई, किसी एक पुलिस वाले भाई, किसी एक सरकारी मिल्कियत, किसी एक गाड़ी को भी नहीं नुकसान पहुंचाया, क्योंकि सिंधी समझते हैं कि ये लोग हमारे भाई हैं, ये सरकारी अमलाक हमारी है। एक तरफ हम हैं जिन्होंने आपको घर दिए, रिहाइश दी, अपने हिंदू भाइयों के छोड़ी जाने वाली प्रॉपर्टीज के ताले खोल के दिए, रोजगार दिया, जमीनें दी, और एक तरफ तुम हो जिनको हमने आबाद किया दहशतगर्दों, तुमने हमारी बहनों पे गोलियां चलाई। याद रखो, उस खून की बही हुई हर एक बूंद का हिसाब होगा। रजाला सिद्दीकी के जिस्म से बहने वाली खून की हर बूंद का हिसाब होगा। वो रजाला सिद्दीकी जो गोली लगने के बाद पुलिस वाले का पिस्टल चीन के बाहर करने की कोशिश कर रही थी, उस रजाला सिद्दीकी का हिसाब होगा। और काश, और काश वहां वो पुलिस वाला वो संधि होता, वो गैर संधि पुलिस वाले थे।